अच्छा, हमने आपको अर्जेंटली इसलिए बुलाया है कि जैसे आपने सबने देखा होगा कल रात को एक ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उनको कुछ पार्टीज ने अप्रोच किया है कि जो ये अनंतनाग पीर पंजाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके इलेक्शन डेफर पोस्टपोन किए जाने चाहिए मुगल रोड की वजह से। मुझे बहुत ताज्जुब है कि मैं खुद मुगल रोड से आई हूँ और ये जो पहले तो मुगल रोड मई में खुलता था, इस बार इलेक्शन की वजह से 8 अप्रैल से खुला है और कुछ दिन एक दो दिन बंद रहा, मगर उसमें भी जो हमारे पेशेंट्स वगैरह थे उनको मुगल रोड से ही भेजा गया कि इतना इमरजेंसी तरीके से काम हो रहा है इसका। तो मुझे हैरानी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की, हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है, वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी, जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है, आपने सब कुछ तो लेंगे, अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं, आप 87 को रिपीट करना चाहते हैं, आप जानते नहीं है 87 में इलेक्शन में दांगलियों की वजह से सारा जम्मू कश्मीर आज तक जल रहा है, लहू लुहान हो चुका है, लोगों की यहाँ शमशान घाट भर गए हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं उसकी वजह से। तो आज सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए सारे तो पहले ही ऑलरेडी गैंग अप हो गए हैं, सारे तो इकट्ठे हो गए हैं मेरे खिलाफ, मगर लोगों का रुझान देके, लोगों का साथ देके, कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज, रिलीजन, पार्टी लाइंस, जो लोगों का रुझान है पीडीपी की तरफ, जो लोग समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज भेजनी है जो वो हमारी बात करे, हमारी वकालत करे, उसके डर से, उसके खौफ से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, जबकि सिर्फ 10 दिन रहे हैं इलेक्शन में, तो हमारे पास तो ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। आप जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हमें कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जबकि हमारा वर्कर जो भी उसके पास था बेचारे के पास वो खर्च कर चुका है इस मुहिम में। तो मेरी एक ही गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि कोई भी इस किस्म का एडवेंचर मत कीजिए, पहले ही जम्मू कश्मीर बहुत सफर किया है, पहले ही जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के ऊपर बहुत कम एतमाद रहा है, आज आप इस इलेक्शन को इस वक्त डेफर करके एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सीधे कहिए कि महबूबा मुफ्ती मैदान से हट जाए, ये बहाना करने की क्या जरूरत है इलेक्शन को, कहीं भी मुल्क में इस तरह इलेक्शन डेफर नहीं होता है। तो महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए आप इतना बड़ा फैसला, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, हर चीज के खिलाफ जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को एक जो उनको एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का, उससे उनको आप इस वक्त दूर करना चाहते हो, ये बहुत गलत है और इसके नतीजे जो है बहुत ही खराब होंगे।